जय हिंद। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है या पंजाब नेशनल बैंक में आपका बैंक मर्ज हुआ है तो इन तीन सर्विस के बारे में आपका जानना जरूरी है, नहीं तो हमेशा मतलब आपको पता कब चलेगा, जब चार्ज कट जाएगा। तो इन तीन सर्विस के बारे में जान लो, नहीं तो आपको चार्ज कटते रहेगा, ठीक है। और आप चार्ज कटने के बाद परेशान तो होंगे ही, साथ में जो चार्ज है वो रिवर्स में नहीं हो पाएगा, वापस दोबारा आपके अकाउंट में जमा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन सर्विस बहुत अनॉर्मल है, आप डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए तीन सर्विस कौन कौन सी है और उसको रोकने के उपाय बहुत ही आसान शब्दों में 1-2 मिनट में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में दोस्तों चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर सरकारी योजनाएँ, गवर्नमेंट योजनाएँ, साथ ही साथ बैंक से जुड़ी योजनाएँ और भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, एटीएम कम डेबिट कार्ड चार्जेस। आप बोलोगे भैया इसको तो मुझे पता ही है, नहीं पता है आपको, ध्यान रखने वाली बात, आपको नहीं पता है एटीएम कम डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है। फर्स्ट ईयर में मान लो आज आप इशू करवाते हैं तो आज से लेकर अगले साल तक, मतलब आज से 1 साल जब तक पूरा होता है तब तक कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन उसके अगले साल से चार्ज लगना शुरू हो जाता है 150 रुपया एड कार्ड के ऊपर। तो आप बोलोगे ये तो मुझे पता है। हाँ जी ये आपको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, कभी कभी होता ऐसा है, कभी कभी क्या, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, हम लोग अर्जी देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं एटीएम कार्ड के लिए, लेकिन एटीएम कार्ड वहाँ से इशू हो जाता है हेड ऑफिस से बैंक की और हमें मिलता नहीं है, हम इसको भूल भी जाते हैं कि भाई आया कि नहीं आया, और वो एटीएम कार्ड जाके बैंक में पड़ा रहता है या हेड ऑफिस में जाकर रिवर्स में पड़ा होता है या पोस्ट ऑफिस में पड़ा होता है, लेकिन वो हमारे नाम से इशू हो गया है। अब उसका चार्ज लगेगा ही लगेगा, इसलिए अगर आपके पास, आपने कभी गलती से पहले अप्लाई किया हुआ, अर्जी किया हुआ एटीएम कार्ड के लिए, तो जाकर चेक कर लो कि आपके अकाउंट में एटीएम चल रहा है कि नहीं। अगर आपके अकाउंट में एक से ज़्यादा एटीएम है तब भी जाकर चेक कर लो कि आपने एटीएम कितने अप्लाई किया था और आपके नाम पे कितना है। तो अगर आपका एक ही एटीएम है और आपको पता है तो ठीक है, उसका 150 रुपया प्लस जीएसटी मतलब कुल मिला के 177 रुपये के करीब ये जो है आप वार्षिक चार्ज कटेगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी एटीएम होंगे उसका भी चार्ज कटेगा 177 रुपये। अगर ऐसा कोई है आपके पास कार्ड तो कार्ड को हॉटलिस्ट करवा दो, बंद करवा दो, एक ही कार्ड रखो, ठीक है। और एक ही कार्ड तो आपके पास होगा ही, एक ही कार्ड, दो चार कार्ड तो रहते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि कार्ड आपने अर्जी दिया है, कार्ड आपको मिला नहीं है, कार्ड इधर उधर पड़ा हुआ है, तो ध्यान आ गया बात, पहला काम ये करो सबसे पहले काम। दूसरा काम क्या करना है, बहुत बड़ी समस्या, दूसरा काम है जो मिनिमम बैलेंस चार्ज करता है दोस्तों। तो हर महीने बैलेंस कितना रखना है वो नहीं है पंजाब नेशनल बैंक में, हर 3 महीने में कितना बैलेंस होना चाहिए वो यहाँ पे है। तो जो शहर की बैंकें हैं या गांव, पहले गांव से शुरू करते हैं, जो गांव की बैंक है, रूरल एरिया में जो बैंक है वहाँ पर मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस 500 रुपया होना चाहिए। 3 महीने का आपका बैलेंस 500 रुपया मिनिमम होना चाहिए, अकाउंट खुलवाते समय भी 500 से खोले गए अकाउंट। जो सेमी अर्बन है, ना गांव का एरिया है ना शहर का एरिया, मतलब बीच का एरिया है, वहाँ पर 1,000 रुपये आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आप शहरों में रहते हैं, मेन शहर जो है जिसको बोलते हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, ये सब अहमदाबाद, ये सब सिटी जो है, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आप ये तीनों नहीं रखते हैं, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपये बैलेंस अकाउंट में नहीं रखते हैं, तो मिनिमम बैलेंस चार्ज कटता रहेगा और कटता ही रहेगा, इसलिए इतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, क्लियर है। अगर हाँ, आगे बढ़ो उससे पहले बता दूँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। तीसरा है SMS चार्ज। SMS चार्ज हर क्वार्टर में, कितने, 3 महीने में एक बार 15 रुपया कटता है, 15 रुपया, और ये 15 रुपये के साथ GST भी लगता है, तो कुल मिला के 70 रुपये, 17 रुपये 70 पैसा हो जाता है, 17 रुपया 70 पैसा, ठीक है। तो ये आपका SMS चार्ज करता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तो यह बोलूँगा आप मोबाइल नंबर सभी के पास होता है तो अपना मोबाइल रजिस्टर जरूर करवाओ, और ताकि आप और आपका बैलेंस की इंक्वायरी वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें फ्रॉड होने से बचते रहें, ताकि आपका बैलेंस भी चेक होता रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं आती रहे। तो ये 3 तरह के चार्ज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ, वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद।